हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून अभी तो दोपहर का टाइम है तो फ्रेंड्स कुछ दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मेरा जो यूट्यूब uh, चैनल था यूट्यूब चैनल में क्या हुआ था नाम उसका नेम ज़्यादा बड़ा हो गया था तो बड़ा होने के कारण मैं क्या हो रहा था कुछ परेशानी हो रहा था जो मेरा फ्रेंड्स है जब सर्च कर रहा था उस टाइम उसके पास नहीं आ रहा था तो हम सोचा जो इसको कैसे ठीक करें इसको मेरा जो नाम है आदित्य आदित्य दास मेरा नाम है फुल नेम तो यही नाम पर ऊपर ही रख दिया मेरा नाम को भी छोटा कर दिया आदि कर दिया आदि बाटफम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स आप सब हमको आशीर्वाद कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा आपको सपोर्ट के बिना हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो जाइए फाइनली मेरा जो वीडियो का जो टॉपिक है गोल्डन फिंच के ऊपर फ्रेंड्स तीन दिन पहले का बात बोल रहा है तीन दिन पहले मेरा एक गोल्डन फिंच आ, बीडिंग पेयर अचानक से हम देखा फ्लोर में शरीर फुला के इसका जो फेदर है फेदर फुला के एक कोना में बैठ गया हम तो देख के थोड़ा सा परेशानी हो गया था उसको हम हाथ से पकड़ा पाकर, पहले पकड़ा पकड़ पाकर के उसका जो पॉटी का जगह पहले चेक किया तो पहले चेक करके हम देखा जो पॉटी का जगह पूरा सही है मैंने तो उसका पॉटी का कोई बीमारी नहीं है और फ्रेंड्स सबको पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम लोग जब बार्ड्स को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे जो प्रॉब्लम एग्जैक्ट जब हमको पता चल जाएगा तब वही हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो हम क्या किया तो हम देखा जो पॉटी का प्रॉब्लम तो नहीं है अभी क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा धूप में हम दिया तो मेरा तो फार्म फार्म तो नहीं है हम शौक़ में कुछ गोल्डन फिंच कुछ बेंगोली फिंच हम रखे घर में जो मेरा शौक़ के लिए ये कोई बिजनेस नहीं है मेरा पूरा ये मेरा शौक़ है धीरे 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 हम और थोड़ा थोड़ा करके हम लाके आ, अभी है बेंगोली फिंच डेढ़ सौ पीस का डेढ़ सौ पीस के एक तो साठ पीस ऐसा कुछ होगा और गोल्डन फिंच होगा आ, चार पेयर फोर पेयर गोल्डन फिंच है और दो पेयर मेरा लॉन्ग टेल है यही मेरा सेटअप है उतना ज़्यादा मेरे पास बाढ़ नहीं है गोल्डन फिंच उतना नहीं है तो हम कोशिश करेंगे मेरा छत का ऊपर हम बड़ा सा एक फार्म बनाएंगे तो फिलहाल जो टॉपिक है टॉपिक के अंदर ही हम चला जा रहे हैं तो फिंस अचानक से हम देखा जो मेरा गोल्डन फिंच बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ गया हम देख के हम आइडेंटिटी किया जो उसका भुखार आया है ऐसा हमको लगा जो भूखा आया है। तब हम क्या किया ये जो दवाई है ये दवाई को आप देख लीजिए ये दवाई है जो पैरासिटाम आप देख लीजिए ये ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है इसका प्राइस लगभग आता है तेईस रुपया फ्रेंड्स हम सभी को बोलना चाह चाहता हूँ जो हर एक बाट लवर जो शौक में बाट्स पालता है तो ये दवाई आप जरूरी रखना ये दवाई रखने से आपको क्या होगा पॉटी का प्रॉब्लम होगा तो आप ओटू आपको काम में आ जाएगा ओटू बोल के एक दवाई है हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में जब पॉटी का प्रॉब्लम होगा हम दिखाएंगे जो ये जो दवाई है ये दवाई आप रखिए रख के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा हम तीन दिन दिया इसको तीन दिन थोड़ा थोड़ा माने एक छोटा ऐसा बाउल है मेरा जो पानी देने का जाएगा बर्तन है उसमें हम चार फूटा करके इसको चार बूंद ऐसा ड्रॉप ड्रॉप है चार बूंद हम पानी में दिया तो पानी में दे के हम तीन दिन माने दिया आज पूरा देखिए अभी जो बाट्स फ्लाइंग कर रहा है अभी देखिए पूरा अभी पूरा फिट हो गया अभी हम क्या करेंगे एक हफ्ता का बाद फिर हम उसको बीडिंग में बैठा देंगे ये मेरा बीडिंग प्यार है तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो बाट बाट के लिए जो हम देखा जो मेरा ठीक हो गया तो हमको भी लगा जो मेरा जो नया दोस्त है जो बाट पलता है तो सबको जानना चाहिए आप कोई जो बड़ा बड़ा ब्लीडर है तो उसको न, उस सभी को पता है जो ये ये दवाई के बारे में सभी को पता है जो हम जो बोल रहा जो नया है जो बिल्कुल पूरा नया जो शौक में दो चार बार लेके आए घर में रखे रख के थोड़ा सा ब्लीडिंग ले रहा है तो हम न, उस सब दोस्त को बोल रहा है जो ये पैरासीटाम ये जो दवाई एक बार और भी देख लीजिए पैरासीटाम ये दवाई आप ह्यूमन मेडिसिन दुकान में आपको मिल जाएगा ये दवाई आप लाइए ला के घर में रखिए जब आपको लगेगा जो ये कोई बाट का मौसम चेंज के कारण में थोड़ा सा ठंड लग गया तब ये दवाई आप, आप यूज़ कीजिए आपको बाट पूरा तरीके से ठीक हो जाएगा और बड़ा बाट में क्या होता है बड़ा बाट में थोड़ा सा आ, आपको टाइम मिल जाएगा छोटा बाट में टाइम नहीं मिलता है छोटा बाट में आप नर, जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो बाट एक्सपर्ट कर जाता है इसलिए हम बोला है जो आप ये दवाई लेके आइए ये दवाई में सच में बहुत ही अच्छा काम करता है वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा आज चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हम यूट्यूब में जब नया नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुँच जाएगा